नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको 10 ब्लॉग पोस्ट आइडिया बताने वाला हूं आईपीएल 2022 के लिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग आईपीएल ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस तरीके का ब्लॉग पोस्ट लिखना है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपकी ये क्वेरी खत्म हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का ब्लॉग पोस्ट हमें अपने ब्लॉग पे लिखना होगा। आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, या फिर एडजेक्टली थोड़ा बहुत चेंज करके टॉपिक में आप अपने इसको ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हैं। एडजेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ये आइडिया बहुत सारे लोग अगर सेम कॉन्टेंट डालेंगे तो उनका ब्लॉग भी रैंक नहीं करेगा। थोड़ा बहुत एडिट करके आप इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ा कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए इस आइडिया पे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लॉग पोस्ट आइडिया है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। बहुत दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, इस कारण से बहुत सारे वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलरली एक दो दिन के अंतर में हमेशा आपके पास में वीडियो आता रहे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला ब्लॉग पोस्ट आइडिया है लखनऊ क्रिकेट टीम। आप जानते हैं कि लखनऊ आईपीएल की एक नई टीम है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखा है, और अगर लिखा भी है तो इस साल ही लिखा है। तो इस टॉपिक पे आपके ब्लॉग का रैंक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप इस टॉपिक पे अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं और आप अगर लेंथ अच्छा रखते हैं, इस पर कीवर्ड प्लेसिंग अच्छी करती हैं, तो ये रैंक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। और इस पे एस्टिमेटेड जो ट्रैफिक है वो लगभग 10,000 पर डे का होने का संभावना है, जिस समय आईपीएल होगा, तो आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो मेरा दूसरा आइडिया है वो है गुजरात लाइन्स के बारे में। जानते हैं गुजरात लाइन्स इससे पहले भी आईपीएल खेल चुका है, लेकिन कुछ कारण से वो कुछ सालों से नहीं खेल रहा था, और ये गुजरात लाइन्स जो है ये 2022 में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप इसके बारे में एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। आप इसमें कौन कौन से प्लेयर हैं, कौन कौन से की प्लेयर हैं, कौन कौन से हाईएस्ट पेड प्लेयर हैं, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड क्या है, ये सब सारी चीज़ें बना सकते हैं। कोशिश कीजिए 2 से 2,500 वर्ड में इस कंटेंट को लिखे, आपका ब्लॉग रैंक कर जाएगा। आप चाहे तो माइक्रो निच भी इस टॉपिक पे बना सकते हैं। माइक्रो निच मतलब कि गुजरात जो क्रिकेट टीम है, इसी के नाम का आप डोमेन लेंगे और इसी के नाम का आप कंटेंट लिखेंगे, और इसी कीवर्ड पे अगर आप काम करेंगे तो आप रैंक करेंगे। और इसकी भी जो एस्टिमेटेड ट्रैफिक है वो 10,000 to 15,000 डेली के होने की संभावना है, जिस समय आईपीएल स्टार्ट होगा। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो आईपीएल मैचेज और उसके राइवलरी के बारे में है। अब देखिए, आपको पता है, आपके पास में आईपीएल का शेड्यूल आपके पास में आ गया होगा, आपको पता होगा कि पहला मैच कौन सा है, दूसरा मैच कौन सा है। आप उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आप वो निकाल सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये प्लेयर है, इस पर वॉच करना होगा, ये प्लेयर है जो बेस्ट प्लेयर हो सकता है, उसके बाद कौन कौन सी टीम जो प्लेयर है वो खेलने का संभावना है वो आप डाल सकते हैं। आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 डाल सकते हैं, साथ ही साथ आप फैंटेसी क्रिकेट लीग के बारे में भी उसमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर आप ड्रीम 11 का टीम बनाते हैं तो आपको कौन कौन से प्लेयर को चूज करना चाहिए। तो आप इस तरीके का भी पोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। तो आईपीएल मैचेस और उसका जो प्रीवियस राइवलरी रहा है आप उसके बारे में कंटेंट उसमें डाल सकते हैं। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है आरसीबी के कैप्टनशिप के बारे में। अब देखिए, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, पिछले एक हफ्ते से भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप आज इसके बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो आपका ब्लॉग पोस्ट डेफिनेटली, अगर आपका ब्लॉग गूगल में सर्च में डला हुआ, इंडेक्स किया हुआ है, तो ये ब्लॉग पोस्ट आपका रैंक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अभी हाल फिलहाल में जो इसकी ट्रैफिक रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ ही साथ अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप आईपीएल के समय में भी देते हैं, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दिया है और नया कैप्टन इसके बने हैं, तो आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किस हालात में ये कैप्टन बना है और इस कैप्टन का जो रिकॉर्ड है वो किस टाइप का रहा है, अपने ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए भी उस समय उसका रिकॉर्ड क्या था और अभी इसका रिकॉर्ड क्या है, साथ ही साथ क्या संभावना है और आरसीबी का नया कैप्टन बनने के बाद क्या उसका जीतने का संभावना ज़्यादा है। इस टाइप के इंटरेस्टेड टॉपिक को बहुत सी ज़्यादा दर्शक पसंद करते हैं, तो आप इस ब्लॉग इस पे इस टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। हमारा जो पांचवा टॉपिक है, जो सजेशन रहेगा, वो रहेगा आईपीएल और पीसीएल को, पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए,
इंडिया और पाकिस्तान का जो राइवलरी है सभी को पता है, अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे बहुत ही ज़्यादा आने का संभावना है। अगर आप आईपीएल ब्लॉग बना रहे हैं तो ये टॉपिक एक दिन जरूर कवर करें, एक ब्लॉग पोस्ट इसके बारे में जरूर डालें जिसपे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों का जो प्राइस का जो अमाउंट है वो क्या है, दोनों का कॉस्टिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेस्ट प्लेयर कौन कौन से आ रहे हैं। आपको ये बताना है कि आईपीएल बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फार बेटर है पीसीएल से, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किन किन कारण से आईपीएल बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया है पीसीएल के अलावा, तो ये आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ आप रैना का फ्यूचर के बारे में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मिस्टर आईपीएल के नाम से सुरेश रैना को जाना जाता था और इस बार सुरेश रैना को नहीं चुना गया था, और किन हालात में किन किन टीम से वो खेल सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रैना के बारे में दे सकते हैं। बिलीव कीजिए सुरेश रैना एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है आईपीएल के लिए, और अगर सुरेश रैना अगर किसी टीम की तरफ से खेलता है और अगर उसने सेंचुरी या 50 मार दिया तो आप उस पर भी एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। तो सुरेश रैना को आप अपने आईपीएल के लिए जब आप ब्लॉग लिखने जाएं तो एक कॉर्नर में जरूर डाल लें, सुरेश रैना के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आईपीएल में टॉप ट्रेंड में जाता है, इसलिए सुरेश रैना को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सातवां टॉपिक मेरा है आईपीएल वेन्यू के बारे में कि आईपीएल का जो मैचेज है वो कहाँ कहाँ पे होने वाला है, किस टीम के मैचेज कहाँ पे किस मैदान पे ज्यादा होने वाला है, उसकी रिकॉर्ड क्या है और किस प्ले टीम को वहाँ पे खेलने का सबसे ज़्यादा अनुभव है और कौन सा टीम वहाँ पे विन कर सकती है, कौन सा प्लेयर वहाँ पे प्रीवियस मैचेज में चला है, आप इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि वेन्यू बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आप जानते हैं कि बेंगलोर में क्रिस गेल ने बहुत सारी सेंचुरियाँ मारी हुई है, तो अगर क्रिस गेल बेंगलोर टीम से खेलता रहता, अगर वो बेंगलोर में मैच हो रहा होता तो आप उसको टॉप प्लेयर बना करके वहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप इसी के रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं कि दिल्ली में अगर कोई मैचेज हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी टीम खेलने वाली है दिल्ली में और उसमें किन किन प्लेयर पे ध्यान रखना होगा। ये आइडिया हमेशा वो लोग रखते हैं जो भी सट्टा लगाते हैं या फिर जो ड्रीम इलेवन वगैरह में टीम बनाते हैं, वो लोग ये टाइप का ब्लॉग पोस्ट बहुत ही ज़्यादा लिखते हैं और आईपीएल के जो लवर होते हैं वो सब ब्लॉग पोस्ट को पढ़ते हैं, तो इस टाइप का जो ब्लॉग पोस्ट है उस पर भी ट्रैफिक आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो आप इस टाइप का ब्लॉग पोस्ट जरूर लिखिए। मेरे पास आठवां है न्यू टैलेंट टू वॉच इट आईपीएल 2022। आप जानते हैं कि आईपीएल जो है हमेशा नए टैलेंटेड प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, आप ये भी डाल सकते हैं कि कौन कौन से नए प्लेयर जो पहली बार आईपीएल में चुन के आए हैं जिन पर नज़र रखना होगा लोगों को। आप बिलीव कीजिए बहुत सारे ऐसे क्रिकेट लवर हैं जो इन प्लेयर पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, जैसे अगर आप कोई नया प्लेयर आया उसने 50 मार दिया, जैसे पिछली बार शाहरुख खान था जिसने मैच जिताया था, तो इस टाइप का जो प्लेयर है आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर ट्रैफिक आने का संभावना है, क्योंकि एक तो वो नया प्लेयर है उसके बारे में सबको एक्साइटमेंट होगा जानने का, प्लस जो टीम बनाने वाले होंगे आईपीएल टीम या फिर ड्रीम इलेवन टीम जो बनाने वाले होंगे वो भी ऐसे प्लेयर पर नज़र रखते हैं, तो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा और ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, तो आप इस टाइप का ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। नौवां हाईएस्ट पेड प्लेयर के बारे में आप आईपीएल में लिख सकते हैं, हाईएस्ट पेड और हाईएस्ट लोएस्ट पेड प्लेयर जो है आप उसको चूज कर सकते हैं, जिन्हें अब लोएस्ट पेड उसको बोलेंगे जिसको पिछली बार 8 करोड़ में चुना गया था और इस बार 2 करोड़ में भी चुना गया है, 1 करोड़ में चुना गया, तो आप ऐसे प्लेयर को चूज कर सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और इसको आप ट्विटर के सहारे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करा सकते हैं। 10 में अनसोल्ड प्लेयर के बारे में आपको डालना है कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अनसोल्ड रह गए हैं, अनसोल्ड रह गए मतलब जो बिके नहीं, आप इसके बारे में भी अगर आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं जो किन कारणों से अनसोल्ड रह गए उसके रीजन आपको देना है और आपको उस प्लेयर के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये थे 10 टॉपिक जिसके बारे में आप ब्लॉग पोस्ट आईपीएल 2022 में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसी टाइप का अगर थोड़ा बहुत चेंजेज करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट आइडिया आपको थोड़ा बहुत हो गया होगा, आप इस टाइप का ब्लॉग पोस्ट आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आप आईपीएल से बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉग बना करके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग में पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं, 1-to-1 सपोर्ट चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन में आपको एक लिंक मिलेगा, मेरा नंबर मिलेगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम।